73वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरा होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यह गणतंत्र बेहद खास होगा। गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना की ताकत दिखेगी। इस बार दिखाया जाएगा कि किस तरह वक्त के साथ इंडियन आर्मी की वर्दी बदली है और हथियारों में किस तरह का बदलाव आया है। साल 1965 और 1971 के युद्ध में जिन टैंकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे, इस बार उन्हें भी देखा जा सकेगा और साथ ही आधुनिक टैंक भी परेड में शामिल होंगे। तो वहीं परेड में सैन्य सिस्टम से लेकर आधुनिक सिस्टम भी दिखाए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। राजपथ पर देश की ताकत को दुनिया एक बार फिर सलाम करेगी। गणतंत्र दिवस की परेड में हुंकार भरेंगे जवान और गरजेंगे वायुसेना के लड़ाके। परेड में भारतीय सेना की 6 मार्चिंग टुकड़ियां अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करेंगी। इनमें राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट शामिल हैं। इनके साथ ही भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना का एक एक मार्चिंग दल भी परेड में शामिल होगा। परेड में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी और बीएसएफ के 5 मार्चिंग दस्ते हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर 16 मार्चिंग दल और 17 सैन्य बैंड गणतंत्र दिवस की परेड की शान बढ़ाएंगे। तो 75 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर फ्लाईपास में हिस्सा लेंगे। इनमें राफेल, सुखोई, जगुआर, MI-17, सारंग, अपाचे और डकोटा शामिल होंगे। परेड में एयरफोर्स के पायलट 15 अलग अलग तरह के फ्लाईपास फॉर्मेशन बनाएंगे। तो वहीं सेना की परेड में टैंक वाहन, होबिट्सर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन होगा। से ज्यादा वीर शहीदों के परिवारों को पूरे देश भर में एनसीसी के कैडेट्स जो हैं कृतज्ञता की पट्टिका भेंट करेंगे। उस वक्त जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे होंगे। आपको यह भी बता देते हैं कि इस बार क्योंकि 75वां स्वतंत्रता दिवस के लिए कार्यक्रमों के आयोजन हुए थे, उसी में रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने कला कुंभ का आयोजन किया था, जिसमें 10 स्क्रॉल बड़ी पेंटिंग लगाई गई थी। वही 10 की जो पेंटिंग्स हैं उनको यहाँ पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही इस बार जो कलाकार और नृतिकाएँ यहाँ पर भाग लेने वाले हैं, उन सभी को राष्ट्रव्यापी वंदे भारतम समारोह के जरिए चयनित किया गया है। 3,870 नृतिकाएँ यहाँ पर भाग लेने वाली हैं और 800 से ज़्यादा कलाकार यहाँ राजपथ पर परेड के दौरान शामिल होंगे। लड़ाकू विमानों और ड्रोन के साथ गणतंत्र दिवस परेड की रौनक झांकियों में भी नजर आएगी। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 9 मंत्रालयों की झांकियां भी परेड में हिस्सा लेंगी, जिसमें बेहद खास होगी जल जीवन मिशन की झांकी, जो लद्दाख में पहाड़ी की ऊंचाई पर स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए जाने को प्रदर्शित करेगी। इसी तरह गुजरात की झांकी में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया जाएगा। भारतीय नौसेना की झांकी में 1946 के नौसेना विद्रोह को दिखाया जाएगा, जिसकी आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका रही थी। इस साल गणतंत्र दिवस की खास बात ये भी है, परेड पहली बार 10:30 बजे शुरू होगी। लगातार दूसरे साल परेड में विदेशी चीफ गेस्ट नहीं होंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 24,000 लोगों को ही परेड में आने की इजाजत है। इसमें 19,000 लोग इनविटेशन के जरिए आने वाले गेस्ट होंगे। आम लोगों में सिर्फ 5,000 को ही एंट्री दी जाएगी। सिटिंग अरेंजमेंट की यदि हम बात करें तो इस बार केवल 5,000 से 8,000 लोगों को ही बैठने की अनुमति है। जितने भी लोग बैठेंगे वो इस एरिया में बैठेंगे। आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया को भी पूरी तरह से सजाया गया है और ख़ास बात यह है कि जितने भी लोग हैं वो
वैक्सीनेटेड रहेंगे, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनको एंट्री दी जाएगी। जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा हुआ है वो लोग यहाँ पर आकर 26 जनवरी के दिन कार्यक्रम अटेंड नहीं कर पाएंगे। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर इस बार 26 जनवरी के दिन रिजर्व सीट्स रखी गई हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, इन सभी लोगों के लिए जो रिजर्व सीट है वो इन लोगों के लिए रखी गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोरोना को देखते हुए साफ कर दिया है कि परेड देखने वाले लोगों का फुली वैक्सीनेट होना जरूरी है। परेड में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी और इसके साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। श्रुतिका और तेजश्री पुरुंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।